मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मेरे वालिद साहब दुबई में काम करते थे। जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। हमारी छोटी सी फैमिली थी और हम बहुत खुशहाल थे। मेरे वालिद साहब की तबीयत अक्सर ख़राब रहती थी और घर का सारा निज़ाम वो ही देखते थे। मैं जब मैट्रिक में था तो मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। घर के हालात काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गए। मैंने हर मुश्किल का सामना किया, अपनी फैमिली को सपोर्ट किया और मैंने अपने घर को काफ़ी हद तक संभाल लिया। काफ़ी हद तक हमारे घर के हालात बेहतर होने लगे। इस दौरान मुझे एक लड़की से बेशुमार मोहब्बत हो गई। वो हमारी करीबी रिश्तेदार भी थी और रिश्ते में मेरी कज़न भी। मैं अपनी कज़न से बेपनाह मोहब्बत करता था। उस दौरान गलती मुझसे ये हुई कि मैंने ये सब बातें और अपने सारे राज अपने कज़न को बता बैठा। वो कज़न मेरा हमराज था। मैं उस लड़की को बहुत पसंद करता हूँ, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सारी बातें मैंने अपने कज़न को बता रखी थी। मेरे कज़न से ये बात हजम ना हुई। उसने ये सारी बातें मेरी कज़न को बताई और मेरी कज़न को मेरे खिलाफ बहुत भड़काया। एक दिन मेरा कज़न मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वो तुमसे बहुत नफरत करती है, पता नहीं क्यों। ये सुनते ही मेरा दिल टूट गया। उस वक्त मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा था खुद को। ऐसे लग रहा था कि जैसे मैं जिंदा लाश बन गया हूँ। 3 साल बाद मुझे पता चला कि मेरे कज़न ने मेरी उस कज़न से शादी कर ली। ये सुनते ही मैं और भी टूट गया। मुझे आज भी याद है कि मुझे मेरी कज़न ने मुझे गरीबी का ताना दिया था और ये बात मेरी सीधे दिल को जा लगी। उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया, बहुत मेहनत की और पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान दिया और अल्हम्दुलिल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर सेलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद एक और लड़की मेरी ज़िंदगी में आती है। मेरा उससे रब्ता सोशल मीडिया पर हुआ था। हम पहले दोस्त बने। बात करते करते उसे कब मुझसे मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। वो लड़की मेरी खातिर अमेरिका से पाकिस्तान आई। हमने काफ़ी वक्त एक दूसरे के साथ गुजारा। उस लड़की की अटैचमेंट मुझसे काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी। जब उससे रहा नहीं गया तो उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। शादी करने के बाद वो लड़की अपने साथ मुझे अमेरिका ले गई। हम दोनों बहुत खुश रहने लगे और वहाँ एक नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे मेरी कज़न याद आ जाती थी। मेरी कज़न मुझे कभी नहीं भूली। जो पहली मोहब्बत होती है ना, वो कभी नहीं भूलती। इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि मेरा कज़न मेरे साथ ऐसा करेगा कि कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपने कज़न को अपने भाई से भी ज़्यादा करीब समझा था। मेरा दोस्त, मेरा हमराज, मेरा सब कुछ था। वो सही कहते हैं कि ज़िंदगी में आपकी आंखें वही लोग खोलते हैं जिन पर आप आंखें बंद करके एतबार करते हैं। और वो सही कहते हैं कि एतबार उतना करो कि बाद में पछताना ना पड़े। गलती बस मुझसे यहाँ हुई कि मैं अपनी कज़न से उसके सामने बात करता था। बस इसी बात की उसे जलन होने लगी और उससे हमारी खुशी देखी ना गई। उस मेरे कज़न ने हम दोनों में बहुत बड़े इख्तलाफात पैदा कर दिए। हम दोनों में बहुत नफरत फैला दी थी उसने। हमें एक दूसरे के बहुत खिलाफ कर दिया था और मैं फिर भी उसके वफा का इंतज़ार करता रहा। लेकिन इंतज़ार की भी कोई हद होती है और इंतज़ार उनका किया जाता है जो आपका एहसास करते हैं, आपको मानते हैं, आपसे प्यार करते हैं। मुझे सारी ज़िंदगी बस यही अफसोस रहेगा कि वो दोस्त जिसे मैंने अपना भाई माना था, जिसे अपनी ज़िंदगी में सबसे करीब समझा था, आज वही दोस्त, वही कज़न सबसे बड़ा मुनाफिक निकला। मुझे अपनी ज़िंदगी में इन दोनों का चेहरा कभी नहीं भूलेगा। मुझे अपनी ज़िंदगी से बहुत बड़ा सबक मिला है एक दोस्त की सूरत में कि अगर एक दोस्त मुनाफिक हो जाए तो वो किसी भी हद तक गिर सकता है, क्योंकि मुनाफिक लोगों के गिरने की कोई हद नहीं होती। मैंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भुला कर आगे बढ़ने की सोची। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं बहुत खुश हूँ।
मुझे जिंदगी में सब कुछ मिल गया है और मैं अपनी जिंदगी से बहुत खुश हूं। बस जाते जाते आप सबसे एक आखिरी बात करूंगा कि अगर आप किसी के साथ रिलेशन में है ना, तो उस रिलेशन को हमेशा महफूज रखें, क्योंकि जब कोई थर्ड पर्सन आपके रिलेशन में आता है ना, तो आपका रिलेशन महफूज नहीं रहता। अगर आप चाहते हैं कि मैं मजीद ऐसी कहानियां लाता रहूं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली नई से नई कहानी आप तक पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई भी कहानी मुझसे शेयर करना चाहते हैं, तो आप मुझे अपनी कहानियां इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं।